क्या आपको पता है कि आंख ना होने के बाद भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मार गिराया था? आखिर कैसे? जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान और उसके मित्र को बंदी बनाकर रखा था तो मोहम्मद गौरी ने चंदबरदाई से पृथ्वीराज की अंतिम इच्छा पूछने के लिए कहा, क्योंकि चंदबरदाई और पृथ्वीराज चौहान आपस में मित्र थे। पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर थे। इस बात की जानकारी मोहम्मद गौरी को दी गई और उन्होंने पृथ्वीराज को अपनी कला प्रदर्शन के लिए इजाजत दे दी। पृथ्वीराज चौहान को जहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन दिखाना था मोहम्मद गौरी भी वहीं पर मौजूद था। पृथ्वीराज चौहान ने अपने मित्र के साथ मिलकर मोहम्मद गौरी को मारने की योजना पहले ही बना ली थी। महफिल शुरू होने वाली थी तभी चंदबरदाई ने एक दोहा कहा, 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, तव ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। यह दोहा उसने पृथ्वीराज चौहान को संकेत करने के लिए कहा था और तभी पृथ्वीराज चौहान ने अपना शब्द भेदी बाण चलाकर मोहम्मद गौरी को मार गिराया, जिसके बाद चंदबरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने दुर्गति से बचने के लिए एक दूसरे को आपस में मार दिया। गाइस, पृथ्वीराज चौहान मूवी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।